हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय संविधान का ये वीडियो है और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम जो इंडियन पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, रेलवे जूनियर इंजीनियर हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे टेस्ट की फॉर्म में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 1 है। ऐसे आगे आपको अलग अलग टेस्ट मिलते जाएंगे, वहाँ से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है कि भारत की अंत्यकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इस क्वेश्चन में क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को और ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर भी 5-6 क्वेश्चन हिडन है। ठीक है, इसका आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। इसका आंसर पहले आपको बता दूँ, 296 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं क्या हुआ। टोटल जो हमने किया था 389 हमारे पास सदस्य थे। ठीक है, संसद में उसमें 389 कैसे बनाए आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप, 389 में जो है 296 जो निर्वाचित थे, ठीक है, और 93 जो यहाँ से आएंगे वो थे हमारे पास मनोनीत किए थे हमने। ठीक है, अच्छा अब ये 389 का जो आंकड़ा है ये कैसे आया। तो यहाँ पे 40 करोड़ जनसंख्या थी हमारे देश में उस टाइम पे, और उसके आधार पे हमने 10 लाख के ऊपर फिक्स कुछ रखा था कि इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वहाँ से ये हमारे पास आंकड़ा आया था। इसमें भी आप देखोगे एक चीज़, आपको यहाँ पे देखेंगे तो आप ये, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थे उसने इसका बहिष्कार कर दिया था, कुछ लोग वहाँ से बाहर चले गए थे। ठीक है, इसमें ही मैं आपको एक दो क्वेश्चन और यहाँ से दिखा देता हूँ जो इसमें बन सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 15 महिलाएं थी टोटल, जो ये समिति जो बना अंत्यकालीन संसद जो स्टार्टिंग में हम चालू हुई थी, इसमें 15 महिलाएं थी। ठीक है, इसको आप, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, राजस्थान से कितने मेंबर थे। तो राजस्थान से अगर पूछा जाए तो 15 राजस्थान से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि वो संविधान पूरा मौखिक संविधान है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डायनेस्टी चलती है वैसे राजा उस टाइप का संविधान है। तो इसका आंसर यूके, आप सबको पता होगा। ठीक है, यूएसए का संविधान लिखित नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का भी लिखित है, भारत का भी लिखित है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो उसका आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वीडियो सीरीज़ में आपको वापस बता देता हूँ कि इसमें हम जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे वही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इससे करने का बेनिफिट ये है, अगर आपने ये वीडियो सीरीज़ कर ली तो आप मान के चलिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही बनता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था, 1921 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली इसकी बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर, ठीक है, और 1946। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। बाद में जो 11 दिसंबर को हुई थी सेकंड, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, ये डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है आंसर। ठीक है, ये अंबेडकर जी जो हैं ये उसके थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बी एन राव थे ये कानूनी सलाहकार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जिसको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, यानी अब देखो संपत्ति की हानि पे नहीं होती है, ठीक है, एलिमिनेशन से चलेंगे हम, अतिरिक्त कर की वापसी पे नहीं होती है, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन पे नहीं होती है, यानी ये क्या होता है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्या हुआ कि किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी पुलिस वालों ने आपको, मतलब आपको लगता है कि आपकी नज़र में गलत तरीके से आपको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, और आपको कोर्ट में भी पेश नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिस भी इंसान को गिरफ्तार किया है तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगवा सकते हैं कोर्ट से। तो कोर्ट आदेश देगी पुलिस को कि 24 आवर्स के अंदर आप किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में उनको पेश कीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर दोषपूर्ण नज़रबंदी के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। ठीक है, तो देखो ये परमादेश है, ये एक तरीके रिट है, ये भी नहीं है, ये भी रिट है, ये भी नहीं है, उत्प्रेषण, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निजी स्वतंत्रता कैसे है, इसमें आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अरेस्ट कोई करता है तो आप, मतलब अगर कोई भी आपको गलत तरीके से अरेस्ट करता है तो आपके पास ये अधिकार दिया है कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, आप ये रिट लगा सकते हैं। जारी कौन करता है, कोर्ट इसको जारी करेगा,
तो इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब जो ये परमादेश है, ये उच्च एक जो हायर जो बड़ा जो न्यायालय होता है वो छोटे न्यायालय को देता है, ठीक है, अधिकार प्रचाई सारे रिट्स हैं, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको। तो इसका आंसर देखो धारा 28 और 29 तो होगा नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ बनाया गया विशेष है, अल्प उनको प्रचार प्रसार के लिए वो वाले दो कानून है। धारा 31 भी नहीं है, इसका आंसर धारा 32 होगा, ठीक है। इसमें क्या, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मूलभूत अधिकार जो आपको भारत की संसद द्वारा मिले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से मिले हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आपको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ इसका आंसर कितना हो गया, 32 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या था कि हमें कौन कौन से मिले हैं, देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, ये क्वेश्चन आ गया, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। अब 7 में से कौन सा हटा दिया, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है उसको यहाँ से हटा के कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं, ठीक है, कानूनी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आप करेंगे 6, ठीक है। अब कौन कौन से 6 आपके पास में, एक तो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल आपके वर्तमान में कितने हैं, 6, संविधान जब बना तब कितने थे, 7, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए, तो जो मूल अधिकार जो मिल रहे हैं आपको वो कहाँ से लिए गए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम्स में बहुत बार घुमा फिरा के लैंग्वेज पूछा गया है। इसका आंसर होगा राज्यों का संघ, यानी हमारे यहाँ पे राज्यों का संघ है, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन क्या है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघ है, ये ऐसा नहीं है, संघीय विशेषताओं वाला संघ है, ये संघीय वर्ड तो हमारे इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन इसलिए गलत हो गए, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो राज्यों का संघ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये उसी क्वेश्चन से बना हुआ क्वेश्चन है। देखो परिसंकल्प ऐसा नहीं है, एकात्मक भी नहीं है, परिसंघ भी नहीं है, यानी राज्यों का संघ इसका राइट आंसर होगा कि राज्यों से मिलकर हमारा भारत बनाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय, ये आपको मैंने अभी बता भी दिया इसका आंसर, संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो आपको पता है कि संघीय हमारे यहाँ पूरे संविधान में कहीं पे इसका यूज नहीं हुआ। संघीय से मतलब है फेडरेशन, हमारे यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि हमारे जो राज्यों से हमारा मिलकर भारत बना है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कोई समझौता नहीं हुआ राज्यों से। अगर कोई राज्य भारत से अलग होना चाहे तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य, कोई भी राज्य अगर उस देश से अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन हमारा देश कैसे है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कभी भी यहाँ के राज्य कोई चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊँ तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं, का संशोधन कितनी बार हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैं आंसर कर देता हूँ, उसका आंसर होगा 1 बार, सिर्फ आज तक 1 बार इसमें संशोधन हुआ है। उस संशोधन, ये आपको कमेंट करके बताना है कि उस संशोधन में कौन कौन से शब्दों को उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन इस क्वेश्चन से जितनी बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब पीएम जो है हमारे, वो कुर्सी एक परिवार से नहीं होगी, मतलब डायनेस्टी वाइज नहीं चलेगी, वो जनता चुनेगी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, पूरे भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को मान रहे हैं, ठीक है। समाजवादी और सर्वसत्ताधारी, तो ये वर्ड्स आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर, कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रीएम्बल में है ना, किस रूप में, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है प्रीएम्बल से, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि नहीं प्रीएम्बल तो क्या पढ़ने का, बट यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। देखो आप देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट
कि यहाँ पे जो है ना कि एक ये प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य, तो ये क्या है? इसमें एक एक वर्ड तो ठीक है बट कंप्लीट आंसर ये होगा कि एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो इसको आप सेम सिक्वेंस में याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, यानी जो आदर्श हैं, जो हमें आइडिया मिलता है संविधान के बारे में कि जो लोगों ने बनाया था संविधान उसको क्या माइंड में रख के बनाया होगा, तो कहाँ से मिलता है? प्रस्तावना, प्रीएम्बल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। प्रस्तावना को पढ़ने से हमें लगता है कि उन किस सोच से उन्होंने संविधान बनाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? वो अधिक अनुकूलशीलता, ठीक है, मे भी हो सकता है, तो देखते हैं। जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ये नहीं है। सत्तावाद की कम संभावना, गलत। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से अगर ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है तो ये वाला ऑप्शन अच्छा है कि दृढ़ राज्य। इसमें क्या होता है कि देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे एक पीएम है सेंट्रल के अंदर, ठीक है। दृढ़ राज्य से कैसे बनेगा, तो उसमें होगा एकात्मक पद्धति में क्या होगा कि यहाँ पे राज्य हैं अलग अलग, ठीक है। तो पीएम क्या करेंगे कि एक कानून बनाएंगे और वो सब राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एकात्मक पद्धति, ठीक है। बहुत ही ये इंडिया में अपनाई गई है, ठीक है। राज्य भी अपना कानून बना सकते हैं लेकिन जो पीएम बनाते हैं वो भी उनको मानना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम वॉच आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, और आपके वीडियो के नीचे यहाँ पे एक ऐसा बटन है उस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे देता हूँ कि करंट अफेयर्स का सेशन हमारे इस पर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। हम बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में जो NTPC के अंदर जो TCS वगैरह जो कंपनी अभी एग्ज़ाम करवाती है जितनी भी, उनके पैटर्न को फॉलो करता हुआ हम करंट अफेयर उसमें लेके आते हैं, और डेली आप उसको देखिए, सुबह 6 बजे आपको मिल जाता है वो करंट अफेयर, ठीक है। उसके अलावा जो भी करंट इवेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2 जो अभी हुआ था उसके ऊपर पूरा वीडियो, वर्ल्ड कप हुआ था उसके ऊपर, विंबलडन के ऊपर, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं जिसके बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। और आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए या फिर उस एग्ज़ाम को करंट से आपको, आप अगर आपका करंट अच्छा है तो आप ये मान के चलो आप उस एग्ज़ाम में 10 नंबर आगे चल रहे हो, क्योंकि जो बच्चे करंट नहीं पढ़ रहे ना वो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से पढ़ के 1 या 2 नंबर तो सही कर देंगे, ठीक है, उसके अलावा वो आगे सही नहीं कर सकते, कई बार नेगेटिव में चल जाते हैं। तो आप यहाँ, और आपको पता है कि 1-2 नंबर में हजारों बच्चे निकल जाते हैं आजकल, तो पूरा करंट अफेयर का सेशन आप डेली देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और लाइक करें वीडियो को।